हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट यानी कि 2022-23 के लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर और जनवरी महीने में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो पेपर आता है तो 150 मार्क्स का आपका इसका पेपर आता है, जिसमें से 30 नंबर का 30 मार्क्स का आपका इसमें मैथ पूछा जाता है यानी कि गणित आता है। तो सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर पुराने पेपर में आए हुए प्रश्नों को अगर आप नहीं लगाते हैं, तो ये मान लीजिए आप कहीं ना कहीं पेपर के अंदर लैग कर जाएंगे दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा, क्योंकि सीटेट हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को रिपीट करता है। सीटेट की ये खास बात है कि क्वेश्चंस को रिपीट करता है। पिछली बार 20 पेपर हुए थे जूनियर लेवल में, जिसमें 20 के 20 पेपर में एक ही क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज बदल बदल के उस क्वेश्चन को दिया था। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा के जाएंगे सीटेट के पेपर के लिए, तो 100% मानिए आपका स्कोर बेहतर होगा। अगर आपने सोचा है कि सीटेट में इस बार 120 प्लस का स्कोर मुझे करना है और लाइफ टाइम के लिए सीटेट को क्वालिफाई कर लेना है इसी बार, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, मैथ्स की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिए होती है। तो अगर आप सीटेट के कैंडिडेट हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अपने पहले प्रश्न के साथ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जनवरी 2022 सीटेट का जब पेपर हुआ था, तो उसमें पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक्स बराबर -2, वाई बराबर 3 तथा जेड बराबर -3 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2YQ -3X² Y² +4XYZ का मान क्या होगा। ये पिछले पेपर में भी पूछा गया था, सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर गया है। तो देखिए, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह पर क्या है, माइनस का 2 का स्क्वायर इंटू y की जगह पर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू y की जगह पर क्या है, 3 का क्यू -3 इंटू एक्स की जगह पर क्या है, माइनस का 2 का स्क्वायर, और बाई की जगह पर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पर -2 इंटू बाई की जगह पर 3 और जेड की जगह पर माइनस का 3। यही तो होगा, क्लियर है? -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब कितना होगा, 27। ये तो सभी को पता है, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 ये 24, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 3 का मल्टीप्लाई और बचा है, तो चलिए लिख देते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9 4 36 ये बनेगा, 27 दूनी 54 ये बनेगा, और 9 चौके 36, 36 3 108 ये बनेगा, और 24 दूनी 48, 24 या 72 ये बनेगा। चलिए ऐड करके देखते हैं, तो 108 ये बन जाएगा इन दोनों को मैच करने पर, 36 और 72, 36 और 72 कितना बनेगा, 108, 108 से 108 कैंसिल हुआ और आपका आंसर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो ऑप्शन चेक करते हैं, माइनस का 36 गलत है, 54 गलत है, माइनस का 36 गलत है, 54 गलत है, तो एक ऑप्शन और बना लीजिए इसमें, 5, जो कि आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था सीटेट 2022 जनवरी के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, तो एक बेलन बना लेते हैं भाई, काम आ जाएगा, बेलन की तो वैसे भी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, ठीक है। सीटेट का अगर पेपर क्वालिफाई करोगे तो फिर आपकी शादी होगी, टीचर बन जाओगे, पर आपको बेलन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, ये आपका सिलेंडर है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, तो आयतन क्या है, आयतन
आयतन का फॉर्मूला होता क्या है? तो ये होता है पाई आर स्क्वेयर एच। इसको आर मान लेते हैं रेडियस को और इस हाइट को एच मान लेते हैं, क्लियर है। इसकी ऊंचाई 12 है तो 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई सरकार। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का ये आधार है, इस आधार का क्षेत्रफल पता लगाना है। चलिए तो सबसे पहले रेडियस निकालते हैं। आयतन कितना दे रखा है? 7392 सेंटीमीटर क्यों, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको निकालना है, इनटू हाइट कितनी है 12। कैंसिल आउट करते हैं, 2 से जाएगा तो ये जाएगा 11 बार, और 2 से इसको निपटाते हैं, 2 3 6 2 6 12, और 2 9 18, 2 6 12। अब जाहिर सी बात है 11 से इसको कटना चाहिए एक तरीके से, तो 11 3 33 बचेंगे 3, 11 3 33 कट जाएगा भाई साहब, 11 से निपटा देते हैं तो ये जाएगा 11 3 33 बचेंगे कितने 3, 11 3 33 11 6 66, तो 336 बराबर आएगा आर स्क्वेयर गुड़े 12/7, क्लियर है। इस 7 को यहाँ से निपटा दीजिए, 7 को यहाँ ले आइए, 2 से काट के देखते हैं 6 बार, और 2 से काट के देखते हैं 2 1 2 2 6 12 2 8 16, 2 से काटते हैं 3 बार, 2 से काटते हैं 2 8 16 2 4 के, क्लियर है। 3 से काटते हैं तो 3 से जाएगा 3 2 6 बचेंगे कितने आपका बचेगा 2 3 7 21 3 8 24, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 28/7, क्लियर। तो आर बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 28 को लिख सकते हैं 4/7, और 1/7 पहले से है तो 4 का निकलेगा 2 और 7 का निकलेगा, तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर आ गई इसकी रेडियस। अब हमारे पास हाइट भी है रेडियस भी है, अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं सिलेंडर का। तो आधार का क्षेत्रफल निकालना है, आधार का क्षेत्रफल तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो 2 बार गुणा कर देंगे 7 2 14, ये हो जाएगा 44, 22 2 44 / 14, तो ये होगा 14 6 56, हासिल लगे 5, 14 6 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्लियर है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 528 गलत है, 572 गलत है, 660 गलत है, 616 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है, क्लियर है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा होगा, ऐसे सवाल इस पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, लगाइए इसका क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन है एक घनाभाकार कुंड के अंतर्गत, एक घनाभाकार कुंड बना देते हैं भाई छोटा सा, मान लीजिए कि ये कोई घनाभाकार कुंड है, ठीक सरकार। एक घनाभाकार कुंड के अंतर्गत 12,000 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। कुंड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतने 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 है, इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, तो लेंथ को मान लेते हैं 24, ब्रेड्थ को मान लेते हैं 18 और हाइट को मान लेते हैं 10, क्लियर है। तो तीनों दे रखे हैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम होता है इसका एल इंटू बी इंटू एच, यही तो होगा, यानी कि 24 × 18 × 10, तो ये होगा आपका 240, 10 का गुणा कर देंगे 24 में गुणे 18, तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा 0, 18 2 36 2 72, 18 1 18 और 7 25, 2520, और क्या आएगा मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम किस में आएगा मीटर क्यूब में निकल के आएगा, क्लियर है। अब एक बात बताइए सरकार, इतना आ गया। अब ये बोल रहा है 12,000 लीटर प्रति मिनट की दर से, और पूछ क्या रहा है कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो 2520 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 2520
गुणे 1000, तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। और किस में कन्वर्ट हो गया? लीटर में हो गया। अब 1200 लीटर को भरने में 1 मिनट, 1200 लीटर के लिए 1 मिनट लगती है भरने में, तो 1 लीटर को भरने में कितनी लगेगी? 1/12 मिनट, माफ कीजिएगा, 1200 लीटर को, तो 1/1200 मिनट लगेगी। भाई 1200 लीटर को भरने में 1 मिनट, तो 1/1200 लीटर को, 1 लीटर को भरने में 1/1200 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, लीटर कितने हैं हमारे पास? इतने हैं 25, 2, उसके बाद 4 जीरो। लीटर को भरने में तो 25, 2, उसके बाद 4 जीरो, और कूड़े 1/1200, और किस में आएगा? मिनट में आएगा, 00 से 00। क्लियर है? तो ये आपका कितना हो जाएगा? 252, यानी के 252 00/1 मिनट/12। क्लियर है? इतने मिनट लगेंगे। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा ये समझ लीजिए। मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो आप क्या करोगे? 60 का भाग लगा दोगे, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? आवर में कन्वर्ट हो जाए, यानी घंटे में। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अब कैंसिल आउट करते हैं, 6 से ही कैंसिल आउट करके देखें, तो 6 4 24 कट जाएगा, 6 4 24 बचेगा 1, 6 2 12 यानी कि 420। तो 420/12 कैंसिल आउट करके देखते हैं 2 से, तो ये जाएगा 21 0, और ये 2 से जाएगा तो 6 बार। फिर काटेंगे 2 से तो 105/3, ये आएगा 3। 3 से काटेंगे तो कितना होगा? 35 2 70, 35 3 105, तो 35 घंटे। कितना आएगा? 35 घंटे सवाल का सही जवाब होगा, 210। तो इसमें क्या होगा? आप यहाँ पर इनको टिक करिए, ई वाला ऑप्शन 35 घंटे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ लगी हो तो बता देना, क्लियर? आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था एलजेब्रा का, ये क्वेश्चन एलजेब्रा का इसमें पूछा गया था पेपर में। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर का एक गुणनखंड है, लगाइए इसका राइट आंसर। अब यह सीटेट 2021 दिसंबर में जब पेपर हुआ था तब आया था ये क्वेश्चन। देखिए, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वैसे एक फार्मूला और होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको देखिए, तो ये होता है एक बार जोड़ो ए प्लस बी और एक बार घटा दो ए माइनस बी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको पूरे को मान लीजिए आप ए और इस पूरे को मान लीजिए आप बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक बार तो जोड़ दो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी माइनस डी, एक बार तो जोड़ दिया, और एक बार घटा दो तो ए प्लस ए में से बी को घटा दीजिए, तो माइनस ए माइनस सी प्लस का डी। क्लियर? तो डी से डी कैंसिल आउट हुआ, सॉरी सॉरी ये नहीं जाएगा, इसमें डी तो है ही नहीं भाई, तो ये नहीं कैंसिल आउट होगा, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर अगर कैंसिल आउट की बात करें तो ए से ए गया और सी से सी गया, तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा ए ए टू ए बी, ये बचेगा और सी क्या बचेगा? 2C। यहाँ पर अगर जो बच रहा है वो बच रहा है बी प्लस डी, यहाँ बच रहा है भाई 2A प्लस बी प्लस 2C, और बी प्लस डी यहाँ बचेगा, तो 2A प्लस बी प्लस सी माइनस का डी और बचेगा यहाँ पे 2A प्लस बी प्लस 2C माइनस डी, और इसमें बचेगा बी प्लस डी ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी प्लस डी, ए और सी गया बी प्लस डी बचा, यही आएगा इसका राइट आंसर। बाकी आपके ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो आपको एक बार चेक करना, 2A प्लस बी प्लस
प्लस टू सी होगा यहाँ पर, तो मैं एक ऑप्शन लिख देता हूँ, टू ए प्लस बी प्लस टू सी माइनस डी और बी प्लस डी, और यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा का एक गुणनखंड है। बाकी अगर एक गुणनखंड की बात करें तो देखिए एक गुणनखंड तो ये बन रहा है 2a प्लस, लेकिन ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, एक गुणनखंड ये बन रहा है तो b प्लस डी एक गुणनखंड हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, यानी कि सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे एक फैक्टर पूछा है तो एक फैक्टर आप इसे भी लगा सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टैंडर्ड वैल्यू का क्वेश्चन पूछा है, यदि दिस इक्वल टू के मल्टीप्लाई 10 टू की पावर माइनस 7 है तो के बाई 5 का मान क्या होगा। तो देखिए 0.00001275 बराबर के मल्टीप्लाई बाई 10 टू की पावर माइनस 7, पॉइंट हटाओ कितनी जीरो आएंगे चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टू की पावर 9 यहाँ पे बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको जस्ट ऊपर ले जाते हैं तो 1275 घोड़े 10 टू की पावर माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी, तो k मल्टीप्लाई बाई 10 टू की पावर माइनस 7 ये बन गया। क्लियर है, अब अगर हम यहाँ करते हैं पॉइंट लगा देते हैं, मान लीजिए कि पॉइंट लगाने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, पर लेकिन 10 टू की पावर माइनस 7 को चेंज करना होगा, 7 में कन्वर्ट करना होगा। अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसमें से 10 टू की पावर माइनस 2 को और तोड़ दीजिए, तो इसको 10 की पावर माइनस 9 को माइनस 7 लिखिए और 10 की पावर 2 बचा उसे ले आइए नीचे, तो वो कितना बन जाएगा 100 भाई, 10 की पावर 2 यहाँ से निकल गई 9 में से तो 2 बचे 7, और जो 10 की पावर 2 नीचे आया वो 100 बनेगा, तो बराबर में कितना होगा के मल्टीप्लाई 10 टू की पावर माइनस का 7, 100 को हटाओगे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 12.75 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर माइनस 7 बराबर के मल्टीप्लाई 10 टू की पावर माइनस 7। अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करते हो तो ये तो मैच कर गया, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो k बराबर क्या है 12.75, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, k की वैल्यू इसमें पुट करनी है तो क्या करना है 12.75 में 5 का डिवाइड लगाना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × 2 = 10, बचे कितने 2, पॉइंट लगा दो 5 5 25 और 5 5 25, तो 2.55 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो 1.55 गलत है, 12.75 गलत है, 15.5 गलत है, 2.55 इस सवाल का सही जवाब होगा, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुम घूमते रहो भाई, हर प्लेटफॉर्म पे घूमते रहोगे, बाकी तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, दिख रहा है मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रुकिए यहाँ पर क्लासेस को लीजिए, तब समझ में आएंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -5 और +6 के बीच स्थित पूर्णांकों के गणों का योग, तो -5 और +6 के बीच में जो पूर्णांक हैं वो कौन से हैं, -4, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, -5 और +6 के बीच के बीच स्थित पूर्णांकों के घनों का योग क्या होगा। तो घनों का योग, घनों का योग कितना होगा, -5 का क्यूब +-4 का क्यूब और +3 का क्यूब +-2 का क्यूब +-1 का क्यूब +0 का क्यूब +1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब +4 का क्यूब +5 का क्यूब। क्लियर है, क्योंकि हमें -5 और +6 तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच के लेने हैं। अब देखिए, अगर कोई ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर, और उसकी पावर 3 है और माइनस में है, तो आंसर माइनस में ही आता है, इवन पे इवन आता है, अगर पावर ये हो तो इवन, अगर ये ऑड वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अगर पावर ऑड है तो आपका अगर अंदर माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं,
प्लस 5q से, भाई इसका माइनस का आएगा, इसका प्लस का आएगा, 4 का 4 से, 3 का 3 के, 2 का 2 से, और 1 का 1 से। कैंसिल आउट सारे के सारे हो गए भाई, क्या चक्कर है। इसमें माइनस 5 को नहीं लेना है, माफ़ कीजिएगा ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग की थी और यहाँ तक चलेगा, तो ये 5q बचेगा आपका। तो इसमें बचेगा क्या, 0³ प्लस 5 का क्यूब बचेगा, तो 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, 5 का क्यूब 125, तो कितना हो जाएगा 125। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बोलिए फ्रेंड्स, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई समस्या हो तो। अब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर, सीटेट भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए। तो आज मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए, कितने क्वेश्चन कराए, 6 क्वेश्चन कराए कुल मिलाकर, 6 क्वेश्चंस थे जो कि सीटेट के पेपर में पूछे गए थे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, और हाँ, अपने जितने भी साथी हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो वो सारे के सारे फ्रेंड्स इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, उनका भी सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। कर भला तो हो भला, आप याद रखिए, कर भला तो हो भला, इस बात को याद रखिएगा हमेशा। अगर आप दूसरों का भला सोचेंगे तभी आपका भला होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।